खबर शामली के मुठभेड़ में बदमाश के साथ सब इंस्पेक्टर भी घायल हो गए हैं। दूसरी तस्वीर मुरादाबाद से है जहां 25,000 खैनानी बदमाश मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। तीसरी खबर सहारनपुर से है जहां पर चेकिंग के दौरान दो बदमाशों को गोली लगने से घायल हो गए हैं। दोनों पर 25,000 और 10,000 का इनाम भी है। ध्यान रखिए कि आजकल जितने भी इनामी बदमाश हैं वो लगातार पकड़ में आ रहे हैं। यूपी पुलिस के जो क्लीन अभियान है इसमें इनामी बदमाशों पर सबसे बड़ी जो है लगाम लगाई जा रही है और ऑपरेशन क्लीन इनका लगातार जारी है। शामली से खबर है यहाँ भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मामला कैराना का है। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है। मुठभेड़ के दौरान एक सब इंस्पेक्टर भी गोली लगने से घायल हो गया। दोनों घायलों को पुलिस ने उपचार के लिए यानी इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया। पुलिस ने शातिर बदमाश के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलहा बरामद किया है। जवान सनक जमशेद है, तितरवाड़ा का रहने वाला है, बता रहा है। अभी रात को चेकिंग चल रही थी 12:30 बजे के आसपास, तब तक ये संदिग्ध मोटरसाइकिल पे था। इसको रोका गया तो भागा, पुलिस ने पीछा किया, बंदे की तरफ कराना में जमुना ब्रिज की तरफ भागा। उधर से पुलिस पीछा कर रही थी, उसने फायर किया, अपने एक सब इंस्पेक्टर हैं उनको गोली लगी है। उसके बाद रक्षा में पुलिस ने भी रक्षा गोली चल रही, उसको भी पैर में लगी है गोली, दोनों को अस्पताल लाया गया है। चलिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश में अपराध